सोलन में आपदा प्रबंधन को लेकर जिला स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने की। इस मौके पर जिला भर से आए अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों को ये जानकारी दी गई कि अगर शहर में आपदा होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है ताकि आपदा से कम नुकसान हो। सोलन में आपदा प्रबंधन को लेकर जिला स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त विवेक चंदेल ने की। इस मौके पर जिला भर से आए अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों को ये जानकारी दी गई कि अगर शहर में आपदा होती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है ताकि आपदा से कम नुकसान हो। अधिक जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन की ट्रेनर पीके पाठक ने बताया कि आपदा के समय पर जिन 25 अधिकारियों पर आपदा से निपटने की जिम्मेवारी होती है उन्हें आपदा प्रबंधन के आवश्यक टिप्स दिए गए। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी तरह की सोलन में आपदा होती है तो इन अधिकारियों को पहले से ही पता होगा कि उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां होगी, जिसके चलते आपदा से निपटने के लिए कोई भी बड़ी योजना बनाने की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ पहले से निर्धारित रहेगा, जिसकी वजह से समय बचेगा और समय रहते आपदा से निपटने का काम आरंभ हो जाएगा। यही पूरी जानकारी आपदा से निपटने के लिए जिन मुखिया 25 अधिकारियों पर जिम्मेवारी होगी उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोलन ने मिलकर एक 3 दिवसीय कार्यशाला ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। बेसिकली ये कार्यशाला इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के रिस्पांस सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए किया गया था। डिस्ट्रिक्ट ने जो IRT इंसिडेंट रिस्पांस टीम बनाई है उसको प्रशिक्षण देने के लिए ये कार्यशाला नियोजित किया गया है। इस इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हमने इंडिया गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई कर दिया है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में IRT नियुक्त की गई है। इस प्रशिक्षण का एम यह है कि ये अफसर जो नियुक्त किए गए हैं उनको अपने डेजिग्नेटेड रोल और किस तरह से डिजास्टर में अपने काम को कार्यान्वित करना, इसके बारे में प्रशिक्षण दिया गया। बेसिकली ये कोर्स जो है एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और जिसको हम ऑन ग्राउंड रिलेट करके बताते हैं कि इस तरह से आपने करना चाहिए। इस प्रशिक्षण में एक इंसिडेंट कमांडर जो होते हैं उनका क्या काम होता है, ऑपरेशन सेक्शन चीफ, प्लानिंग सेक्शन चीफ, लॉजिस्टिक सेक्शन चीफ, इन सब का रोल बताया गया डिटेल में और करीब 25 ऑफिसर्स या 25 पोस्ट होते हैं इंसिडेंट रिस्पांस टीम में जिसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ने डेजिग्नेट किया है और सबके रोल को अच्छी तरह से बताया गया कि उनको क्या करना है डिजास्टर। और अगर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं जो IRT मेंबर हैं अगर उनको अपना रोल अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या करना है, तब हमारे डिजास्टर जब होगी तो ऑलरेडी फुली ऑलमोस्ट हाफ प्रिपेयर्ड है कि हमने क्या करना है और जो डिजास्टर है इफेक्टिवली स्टेबलाइज किया जाएगा कम ड्यूरेशन में और विद मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधि के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।